एक पार्टी और दूसरी पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो किसी जो आईन की पालदारी करने के लिए हाथ उठाते हैं वो उसी के लिए सूरतकारी का काम करते हैं। बलूचिस्तान के इशूज के ऊपर कोई भी मध्यपुरुषाई करने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर वगैरह किया जा रहा है, किसी भी पिछले समाज को सबोताज किया जा रहा है इनके रुख की वजह से। खान साहब बैठे हुए हैं, अली अहमद कुल साहब बैठे हुए हैं, बाकी सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर वकला की तीरी की बात तो की जाती है, लेकिन अफसोस है कहना पड़ रहा है उसी वकला की तीरी के हवाले से हमने अदलिया की आजादी की बात की थी कि अदलिया आजाद हुआ, लेकिन अदलिया तो आजाद नहीं हुआ। वो तीरी एक शख्सियत करता थी, उसकी चीज किसी कैसे के बाहर हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में आज जहाँ पर भी चले जाते हो वही तहरीक ने जिस अदलिया का यहाँ इस नेज तक पहुँचाया था ये उसी तहरीक है। मेरे ख्याल मैंने मुझे बता चीजें एक नहीं है, सियासी पार्टियों का किरदार देख ले, हमारे अदलिया का किरदार देख ले, बात का किरदार देख ले, ये सारे सब के ऊपर वाजे है। इस मुल्क की बर्बादी में अगर एक इदारा जिसको हम पूरी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं बिल्कुल उसका वाजे किरदार है, लेकिन उसके लिए एक किरदार अगर किसी ने दिया हुआ है सियासी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो अपना कंधा दे करके उनके उनके कंधा इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। ये सियासी पार्टियाँ एक पार्टी और दूसरी पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे को इस्तेमाल करके वो पार्लियामेंट के आकर आकर के हुकूमत साजी करते हैं। इसी तरह हमारी जो किसी जो आईन की पालदारी करने के लिए हाथ उठाते हैं वो उसी के लिए सूरतकारी का काम करते हैं। ये चीजें वाजे हैं, ये किसी से ढकी छुपी चीजें नहीं है। और मेरे ख्याल में इस मुल्क की बर्बादी में इन तीनों आर्कर्स का जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा एक किरदार है हमारे सिविल सोसाइटी का और वकला का, जो खामोशी है ये भी उसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इत्यादि अदब और एहतराम के साथ हमारे बात के इदारों के हवाले से बात जरूर करूंगा। हमारे मौजूदा पाकिस्तान बार कौंसिल जिसमें मैं खुद भी मेंबर हूँ, सुप्रीम कोर्ट वाली सिचुएशन का जो मौजूदा सूरत हाल पे हर जगह भी इनकी खामोशी इस बात का निशान है। क्या हम इसीलिए आपको नुमाइंदा या मुझे इसीलिए नुमाइंदा है मुकर्रर या मैं आपको देने किया था कि मैं अपने जाति मफादात के लिए इस मुद्दे को इस्तेमाल कर लूँ। बात यहाँ पर बलूचिस्तान के इशूज के ऊपर कोई भी मध्यपुरुषाई करने के लिए तैयार नहीं है। कल परसों एस पी आर का एक प्रेस रिलीज था, वो डॉक्टर मारन के उस तहरी के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो है फार्म जो है उसकी आरक्षण बेचर है इंडिया इराक का, यह वो गद्दार है। पाकिस्तान बनने से लेकर के आज तक पाकिस्तान के अंदर आपने अगर मैं बता देता हूँ आपने फातिमा जना को गद्दार खत डिक्लेयर किया था, आपने एहतजम अहमद अली जना के साथ क्या किया, आज आप लाहौर के अंदर आप जना उसका इतना एक वो है, आपने 47 के अंदर करदाजम अहमद अली जना को ज्यारत में लेकर के किया था। मैं आपको यह भेटा जितने मेहमान आए हुए हैं उनको मैं एक दावत देता हूँ कि मेरे साथ ज्यारत चले जाए। वो आज के दिन की ज्यारत पे मेरे ख्याल में अगर इस मौजूदा सूरत हाल में उसने रात को अगर उसी तरीके से गुजारा तो 47 में उसको ज्यारत के अंदर कोई भी सहूलत न होने के बावजूद आपके वहां पर ज्यारत लेकर बाजार होते क्या फायदा करने के बाद आपने साजिश नहीं की। 48 में आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुंतशिर हुकूमत को गिराया नहीं, कब से ये साजिश हो गई। बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पर वगैरह किया जा रहा है, किसी भी के समाज को सबोताज किया जा रहा है इनके रुख की वजह से। फिर वो ये कहता हूँ कि सुबे के हवाले से जब से देखे हैं उनके समाज बलूचिस्तान के अंदर अगर किसी ने 2% भी क्रोध में इजाफत कर दिया तो हम उस सुबे को वेलकम करेंगे। हाँ सीपी के बदौलत हमें एक चीज मिला है कि हर नुक्कड़ पे हर कोने पे हमें एक सीखी चेकपोस्ट मिली है, हमें जलालत भी मिल रही है, हमारी इज्जत आबरू उसकी जो पामाली हो रही है ये हमें जरूर मिला है सीपी के बदौलत। लेकिन सीपी के बदौलत हमें वहां पर कोई असर ग्वादर के अंदर अगर तनाव दिया जा रहा है वहां तो कहा जाता है कि वहां ग्वादर के अंदर 60,000 आबादी है, वो पूरे ग्वादर जो है हमने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओमान से उसे खरीदा था, तो आपने अगर खरीदा है ग्वादर तो फरोज गेट के अंदर मौजूद है, आपने तो ओमान से खरीद करके नहीं किया था। वहां पर जो रहने वाले हैं उनको उनके बुनियादी हकों का अगर हक नहीं दे रहे हो तो क्या वो एहतजाज करने का हक भी नहीं रखते। फिर आप ये कहते हो कि हमारे साथ इस सिस्टम के अंदर रह करके हमारे वकला के हवाले से ऊंची चीजें बताई जा रही। मुझे बता दें कि मंजूर पश्तून वहां पर
खैबर पख्तूनख्वा में अपना जेरिंग चलाते हैं, वो आपके आपको कहता है कि आपका बनाया हुआ कानून और आपका बनाया हुआ इनके तहत जो मुझे आजाद जी गुजारने का हक है वो मुझे दे दो। आपसे बलोच वही डिमांड करता है कि आपने बनाया हुआ ये उसके तहत जो मुझे जिंदगी मिली है, उसके जो बुनियादी राइट्स है वो मुझे दे दो। अगर आप उन चीजों के बावजूद ये सारी चीजें करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे ख्याल में फिर ये सोच ये फिक्र अगर आप ये कहते हो कि अगर 1 करोड़ आबादी है गुलिस्तान की चीजों को समझने की कोशिश की जाए। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जितनी पार्लियामेंट के अंदर अभी रिसेंट थे, मुझे दुख इस बात की भी है, मैं इस बात की मजम्मत भी करता हूँ और मुझे अफसोस भी है कि मेरे साथ पाकिस्तान पर पोस्ट की मेंबर होते हुए और लॉ मिनिस्टर होते हुए वो एक बात करता है कि हम जो है हम इसी प्रसन्न की फैमिलीज को 50 लाख रुपए का कानून साजी की तरफ जा रहे हैं उसके तरह। मैं इस चीज की तवज्जो से कहूँगा क्या आप उनके मिसिंग पर्सन की फैमिली के सेटलमेंट के साथ क्या उनकी नमक उनके जख्म के नमक प्राप्ति के मतराजे पर आप अपने एक रेखा के जगह को इसी तरह मिसिंग कर दे, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। बात यह नहीं है आप अगर उसके आसिस पर नहीं चाहोगे कि मिसिंग पर्सन की वजूहत क्या है तो इसका मतलब तो ये है कि आपने 50 लाख रुपए उसके देने के लिए है आप एजेंसी को आप पाकिस्तान के वाकदारों को ये अख्तियार कर रहे हो कि वो अपना मर्जी के मुताबिक ये सारी चीजें करें। यही मौजूदा गवर्नमेंट या इससे पहले गवर्नमेंट जितनी भी बैठे हुए मुझे बता दो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की एसीआर के हवाले से जो उनके लायदा एक मेकेनिज्म था आपने एएसआई और एमआई की उसकी एसीआर के लिखने के लिए उसको मेकेनिज्म दिया था पिछले गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने आईएसआई को एक एसटीआर दिया कि जाकर के वो अपने तमाम जो लोग हैं उनको एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर और वहां पर जमहूरियत के दावेदार भी बनते हुए क्या अगर आपने इसके साथ पैरेलल जो आपके दूसरे इदारे हैं ये उनकी नाकामी के लिए आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, पार्लियामेंट की नाकामी के लिए आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, अगर इनके बावजूद इन चीजों के बावजूद हम ये समझते हैं कि कुछ चीजें चेंज होंगे, चेंज उस वक्त होगा हमें बार की इज्जत बार पार्टी की इज्जत बार को एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करना होगा ना किसी सियासी पार्टी के कठपुतली है न कठपुतली बनेंगे और जहां पर जो अच्छा करेगा वो ना उनको अच्छा कहेंगे उनके अच्छे इकदाम को अप्रिशिएट करेंगे, जहां पर गलत कहेगा गलत करेगा हम उसको निगेट भी करेंगे नफ्तनी भी करेंगे। हाँ एक बात जरूर करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल की जो बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियों का ये जिम्मेदार कोई एक पार्टी की जिम्मेदार है सबको ठहराता कोई भी पार्टी पर जिम्मा नहीं। बात यह कि पब्लिक को आप कभी वोट को इज्जत दो के नारे पर कराते हो कभी किस नारे पर कराते हो और फिर जाकर के उसी के सामने घुटने टेक कर देते हो। आप अपनी मसाफी जहाँ पर अगर जुडिशी की देख ले काजी पाई साहब के खिलाफ पेपर्स आया था उसी रेफरेंस के लिए सबसे पहले बलूचिस्तान के वकला और बलूचिस्तान के बाद पार्टी ने एक अपना किरदार अदा करते हुए उसके रेफरेंस के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन मैं आज उस तो वजह से कहता हूँ उस पंडाल के सामने पूरे पाकिस्तान की मीडिया के सामने काजी पाई साहब के रेफरेंस हमने वैसे भी इदारे की वजह से क्या इदारे की इंडिपेंडेंस के लिए किरदार निकले लेकिन उनकी जो इस बात उसका जो किरदार है उसमें हम पशमान भी है और माजरत भी चाहते हैं माफी भी चाहते हैं कि काजी पाई साहब का जो किरदार उसके बाद इसने जो इस इदारे की तबाही के लिए दिया ये किरदार अदा किया मेरे ख्याल में आज इसका खुमियाजा आने वाले सारे जनरेशन को होती है। सिंपल सी बात यह है कि हमने आम पर अगर हम जहाँ पर भी गलत काम के लिए नहीं किए चाहे जुडिशरी के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बात के अंदर हो यहाँ पर साथियों ने बात की कि गवर्नमेंट के हवाले से शोधा के हवाले से आप गवर्नमेंट से सवाल करते हो। मैं यहाँ पर साथियों के सामने बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वाली एजुकेशन के तवज से एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है उस हाउसिंग स्कीम के अंदर
बलूचिस्तान से किस शोधा की पेहली भी ऐसी शोधा ने उस वक्त अप्लाई की थी। एक मोहम्मद शहीद, एक अंशामुर शहीद और एक आदि बशीर शहीद। आप अंदाजा लगा लो कि कैबिनेट की जितनी मेंबर्स थे या अहदेदार थे, उसने तो या प्राइम लोकेशन पे या मेन बोलीवार पे अपने लिए अपना मख्तस करवा लिए मीटिंग के जरिए। ये भी हुआ था कि एक फैमिली के 52 भी 53 भी 54 भी तक तालाब हुए, लेकिन उन शोधा की फैमिली को मैंने कहा नहीं पता नहीं किस किस कारण में आप यहाँ पर दूसरों के ऊपर आकर उठी उठाते हो। हमारे बाप का जो किरदार है उनके ऊपर भी बात रखना होगा, चाहे वो मुनीर कर ले, चाहे वो इस्लामाबाद कौंसल कर ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार अपील कर ले। अगर इन चीज़ों के बावजूद हमें कहते हैं कि नहीं, हमें हर चीज सियासत से बालातर होकर के जब बात रिप्रेजेंटेटिव बन 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 कट के हमें बात की किरदार अदा करना होगा, कलेक्टिव मफादात के लिए किरदार अदा करना होगा, इदारों की मफाद के लिए किरदार अदा करना होगा। अगर इसी तसलसल के साथ इन लोगों ने आपकी बेहतर फ्यूचर के लिए कुर्बानी दी है, तो उस बेहतर फ्यूचर के लिए आपने ये किरदार अदा करना होगा। जहाँ पर गलत हो रहा होगा तो उसके गलत रोकने के लिए आपको वहाँ सामने आकर के सवाल जवाब करना होगा। सवाल जवाब की न होने की वजह से यहाँ पर ये सारे मसाइल हुए। सवाल होना चाहे मौजूद मैशन के अंदर जो सवाल करता है वो माशा तरीके कर चुका है। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम मौजूदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आज इसके दिन को आप लोगों ने इज्जत बख्शी, हम उनको मशहूर हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल जो कह रहे थे कि सिर्फ एक तो